एलसीएम के बारे में। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब होता हो जाता है एक जैसा, फैक्टर मीन्स गुणनखंड, लीस्ट मीन्स सबसे कम। कि ऐसा होता है, क्या है इसमें, क्या निकालना है, जैसे कि एचसीएफ में निकालता है ऐसे हम इसमें एलसीएम में निकालेंगे 20 और 30 का फैक्टर। तो 20 का फैक्टर 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। ऐसे 30 का फैक्टर 2 का टेबल 30 में 15 टाइम जाएगा। ऐसे 3 का टेबल 15 में 5 बार और 5 1 5। सेम ऐसे इनको अलग लिखना है 2 2 5, और ऐसे इसको 2 3 और 5। क्या फाइंड करना है इसमें, इसमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएफ या एलसीएम एक ही बात होती है। तो इसमें कॉमन क्या है, सबसे पहले देखिए आप 2 2, ठीक है 2 आ गया, और इसमें क्या है 5 और 5 5 आ गया। सेम जैसे हमने एचसीएफ निकाला था ऐसे हम एलसीएफ में भी ऐसे ही करेंगे, बस इसमें इतना डिफरेंस है इसमें जो कॉमन नहीं रहता, जैसे कि 2 कॉमन नहीं है इसको भी लिखना है हमें, और ऐसे 3 को भी लिखना है क्योंकि ये भी कॉमन नहीं है। तो 2 5 10, 10 2 20, 20 3 कितने होते हैं 60। तो इसका ये क्या आ गया आंसर।